साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों मैं आज बात करूंगी बीपीएससी के थ्रू जो लिया जाने वाला एग्जाम है सीडीपीओ। तो सीडीपीओ का जो एग्जाम 31 अक्टूबर को होने वाली थी वो एग्जाम स्थगित कर दी गई है। और यह एग्जाम कब होगी, बीपीएससी 67th ऑफ एग्जाम कब होगी, तो आइए इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए अभी बिहार में पंचायत चुनाव होने के कारण यह एग्जाम को स्थगित कर दी गई है, लेकिन यह एग्जाम बहुत जल्द ही होगी। लेकिन कब होगी, देखिए अभी अप टू दिसंबर तक पंचायत चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर का लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक, मेरे ख्याल से अप टू 15th दिसंबर तक जो भी रिजल्ट, जो भी इलेक्शन का रिजल्ट है पंचायत चुनाव का, वो आ जाना चाहिए और आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा। और उसके अपकमिंग संडे, जो भी आपको पता है कि अपकमिंग वो संडे ही को ही एग्जाम कंडक्ट होती है, तो अपकमिंग संडे से हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, उस संडे से एग्जाम हो सकती है। और दिसंबर से लेकर के जनवरी लास्ट तक ये पूरा जो भी एग्जाम है बिहार बोर्ड, बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि बिहार एसआई का हो गया, बीपीएससी 67th जो ऑलरेडी 12th ऑफ दिसंबर बताया गया था, लेकिन अभी उस पर वो बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल से वो ज़रूर स्थगित कर दी जाएगी, क्योंकि पंचायत चुनाव है तो वो कैसे संभव है। ऑलरेडी सीडीपीओ का एग्जाम स्थगित हो चुकी है, तो इस एग्जाम में हमारा एक बहुत ही ज़्यादा जो लाभदायक बिंदु है वो ये होगी कि जो सीडीपीओ का एग्जाम है और जो बीपीएससी 67th का जो पीटी का एग्जाम है, दोनों का सिलेबस लगभग समान है, तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है आपका प्रिपरेशन को मजबूत करने का। और बहुत ढंग से प्रिपरेशन कीजिए और जिससे कि दोनों पीटीए में आपका रिजल्ट हो, क्योंकि अगर एक परीक्षा का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको दोनों परीक्षा के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। जो भी अभी तो सितंबर लास्ट वीक चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 से 3 महीना मात्र आपके पास है, तो टारगेट सिर्फ 2 ही महीना रखिए और 2 महीना में जितने भी सिलेबस आपने अभी तक कवर किया है उसका रिवीजन कर लीजिए। और अगर नहीं भी किया है तो जितने भी जो भी हमारा पीटी के लिए लाभदायक हो, जो पीटी के लिए यूज़फुल हो, उतना ही कंटेंट को हमको रीड करना पड़ेगा, उससे अधिक कुछ भी नहीं, उतना ही पढ़िए जितना हमारा सिलेबस में अवेलेबल हो। और ऐरा गहरा चीज़ों से बचिए, जो भी हमारा लिमिट ऑफ क्वेश्चंस है उसको डील कीजिए, एक दूसरे से डिस्कशन कीजिए, और जो भी करंट पोर्शंस हो या फिर जो भी सिलेबस का चीज़ है, सीधी शब्दों में अगर कही जाए तो जो भी हमारा सिलेबस का पॉइंट है, उन सारी चीज़ों पे हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें। टू मंथ में आप अपने सिलेबस को बांट लीजिए, किस हिसाब से आपको अध्ययन करनी है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इस प्रकार आप दोनों एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं जहाँ तक पीटी का सवाल है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों मैं आज बात करूंगी बीपीएससी के थ्रू जो लिया जाने वाला एग्ज़ाम है सीडीपीओ। तो सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को होने वाली थी वो एग्ज़ाम स्थगित कर दी गई है। और यह एग्ज़ाम कब होगी, बीपीएससी 67th ऑफ एग्ज़ाम कब होगी, तो आइए इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए अभी बिहार में पंचायत चुनाव होने के कारण यह एग्ज़ाम को स्थगित कर दी गई है, लेकिन यह एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होगी। लेकिन कब होगी, देखिए अभी अप टू दिसंबर तक पंचायत चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर का लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक, मेरे ख्याल से अप टू 15th दिसंबर तक जो भी इलेक्शन का रिजल्ट है पंचायत चुनाव का, वो आ जाना चाहिए और आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा। और उसके अपकमिंग संडे, जो भी आपको पता है कि अपकमिंग वो संडे ही को ही एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, तो अपकमिंग संडे से हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, उस संडे से एग्ज़ाम हो सकती है।
और दिसंबर से लेकर के जनवरी लास्ट तक ये पूरा जो भी एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, जैसे कि बिहार एसआई का हो गया, बीपीएससी 67 जो ऑलरेडी 12th ऑफ दिसंबर बताया गया था, लेकिन अभी उस पर वो बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल से वो ज़रूर स्थगित कर दी जाएगी, क्योंकि पंचायत चुनाव है तो वो कैसे संभव है। ऑलरेडी CDPO का एग्जाम स्थगित हो चुकी है, तो इस एग्जाम में हमारा एक बहुत ही ज़्यादा जो लाभदायक बिंदु है वो ये होगी कि जो CDPO का एग्ज़ाम है और जो BPSC 67th का जो PT का एग्ज़ाम है, दोनों का सिलेबस लगभग समान है, तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है आपका प्रिपरेशन को मजबूत करने का, और बहुत ढंग से प्रिपरेशन कीजिए और जिससे कि दोनों PTA में आपका रिजल्ट हो, क्योंकि अगर एक परीक्षा का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको दोनों परीक्षा के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। जो भी अभी तो सितंबर लास्ट वीक चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 से 3 महीना मात्र आपके पास है, तो टारगेट सिर्फ 2 ही महीना रखिए और 2 महीना में जितने भी सिलेबस आपने अभी तक कवर किया है उसका रिवीजन कर लीजिए, और अगर नहीं भी किया है तो जितने भी जो भी हमारा PT के लिए लाभदायक हो, जो PT के लिए यूज़फुल हो, उतना ही कंटेंट को हमको रीड करना पड़ेगा, उससे अधिक कुछ भी नहीं, उतना ही पढ़िए जितना हमारा सिलेबस में अवेलेबल हो, और ऐरा गहरा चीज़ों से बचिए, जो भी हमारा लिमिट ऑफ क्वेश्चंस है उसको डील कीजिए, एक दूसरे से डिस्कशन कीजिए, और जो भी करंट पोर्शंस हो या फिर जो भी सिलेबस का चीज़ है, सीधी शब्दों में अगर कही जाए तो जो भी हमारा सिलेबस का पॉइंट है, उन सारी चीज़ों पे हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें। टू मंथ में आप अपने सिलेबस को बांट लीजिए, किस हिसाब से आपको अध्ययन करनी है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इस प्रकार आप दोनों एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, जहाँ तक PT का सवाल है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।